हेलो एंड वेलकम टू द कैरियर सेपर। दिस इज कैरियर सेपर्स प्रेजेंटेशन। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट योजना मैगजीन से तैयार किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया है। इस माह का जो है जून 2022 का, उसी से 25 प्रश्न बनाए गए हैं। ये परीक्षोपयोगी सेट है, आप इसे देखें अवश्य। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का प्रथम बिटकॉइन सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये एल सल्वाडोर में। और ये यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना जाता है एल सल्वाडोर में। 2 नंबर है, भारत SaaS कंपनियों के लिए विश्व अग्रणी गंतव्य है, यानी कि वर्ल्ड लीडिंग डेस्टिनेशन है SaaS कंपनियों के लिए भारत। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है SaaS का? तो ये है सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आंसर इसका सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। और वर्ल्ड में भारत जो है लीडिंग डेस्टिनेशन है इस मामले में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के मामले में। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया पहल है? नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया पहल कौन सा है निम्नलिखित में से? तो अटल इनोवेशन मिशन तो है ही, एम्पावर्ड ग्रुप 6 भी है, रेज RAIS रेज जो होता है, रेज 2020 समिट भी इसी का पहल है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा डी नंबर, सभी है नीति आयोग का पहल, ऑल आर करेक्ट। 4 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार का थिंक टैंक है? भारत सरकार का थिंक टैंक ये आप जान रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछता भी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग, इसको थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारतीय अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन जोड़ने की क्षमता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडियन इकोनॉमी में $1 खरब जोड़ने की क्षमता है, इस तरह का अनुमान नीति आयोग ने लगाया है। तो आपको वर्ष बताना है कब तक के लिए लगाया है, किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी जोड़ देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये वर्ष है 2035 तक, नीति आयोग का अनुमान में 2035 हो जाएगा आंसर। 6 नंबर है, इनमें से कौन इंटरनेट ब्राउज़र हैं? इंटरनेट ब्राउज़र देखिए कौन कौन से हैं, तो ये इसमें एज भी है, क्रोम भी है, सफारी भी है, ये सारे इंटरनेट ब्राउज़र हैं, सभी हो जाएगा आंसर। 7 नंबर में, क्लाउडिंग कंप्यूटर ये क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड के कितने प्रकार हैं? प्रकार पूछा जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड के कितने प्रकार हैं? तो इसमें 3 प्रकार होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये IaaS है, SaaS है, PaaS है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, सभी क्लाउड के प्रकार हैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग में। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड इंटरनेट पर क्या है, क्या होता है ये इंटरनेट पर?
तो इसको इंटरनेट पर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, IaaS यानी कि क्लाउड के जो प्रकार हैं, ये तीनों प्रकार में शुरुआत के 3 अक्षर IaaS और P क्या है ये सब? तो शुरुआत का 3 अक्षर आई से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एस से सॉफ्टवेयर, पी से प्लेटफॉर्म। तो आंसर ये हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटर किस मौलिक इकाई पर आधारित है? क्वांटम कंप्यूटर जो अभी बिल्कुल चर्चा में, हालांकि कम संख्या में है पूरे विश्व में, लेकिन फ्यूचर इसी का है। अब ट्रेडिशनल कंप्यूटर हटेगा और यही उसका जगह लेगा, तो किस मौलिक इकाई पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिट। क्वांटम बिट को क्यूबिट बोला जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, बिट वैल्यू हो सकता है, बिट वैल्यू कितना हो सकता है? ये ऑप्शन देखें, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 0 या 1, केवल 0 या 1, बिट वैल्यू इसी में होता है। 12 नंबर प्रश्न है, क्यूबिट वैल्यू हो सकता है, बिट वैल्यू ट्रेडिशनल कंप्यूटर में चलता है और अभी जो क्वांटम कंप्यूटर है तो क्यूबिट वैल्यू के बारे में जानना है, क्यूबिट वैल्यू कितना हो सकता है? तो क्यूबिट वैल्यू में 0, 1 या दोनों ये सब लिया जाता है। क्यूबिट वैल्यू में इसी में वैल्यू होता है, 0, 1 या दोनों में। 13 नंबर प्रश्न है, सामान्य कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता है? सामान्य कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो क्वांटम कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं होता है, क्या होता है? ये सब सभी होता है, सभी हो जाएगा आंसर। ये इलेक्ट्रॉन भी यूज़ किया जाता है, फोटोन भी, एटम भी, आयन भी इसमें यूज़ किया जाता है, ये सभी होगा इसका आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम क्वांटम कंप्यूटर कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1997, ये 1997 में विश्व का प्रथम क्वांटम कंप्यूटर बना। 16 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर